आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज के। इफ द नेक्स्ट 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आर इंक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर इज। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर को लिख लेते हैं। तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, लेट अज्यूम दैट 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर क्या होगा, सिंपल पहले मान लेते हैं x, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2, फिर तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4, चौथा क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 6। क्लियर। और पहला मैंने x माना तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो वो भी इवन नंबर होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो वो भी इवन नंबर होगा। यानी मेरे पास 4 कंसेक्यूटिव 5 है, तो 5 में करता हूँ x प्लस 8 हो जाएगा, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। इनका एवरेज दिया हुआ है कितना, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 5। और टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर है आपके पास 5। ये कितना है इसका एवरेज, ये एवरेज है आपके पास k, इज इक्वल टू हो गया k, ओके। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा आपके पास x कितना आ जाएगा, x आएगा आपके पास 5x, ओके। और ये आएगा आपके पास 6 4 10 10 10 20 हो जाएगा, 5x 20 होल्ड बाय आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू आ गया आपके पास k। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां से आएगा आपके पास 5x प्लस 20 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5k, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से हम लोग 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब 5 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 4 और इधर है आपके पास 5k, यानी से 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यानी k का मान क्या आ गया, k का मान आया आपके पास x प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया k, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू k को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं नेक्स्ट 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो x प्लस 8 तक हो गया, इसका नेक्स्ट 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, वो होगा आपके पास x प्लस 10, फिर होगा x प्लस 12, फिर होगा आपके पास x प्लस 14, फिर होगा आपके पास x प्लस 16। इसका मतलब टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल अब आपके पास 9 नंबर हो गए और उनका हमको क्या करना है, औसत निकालना है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 5 संख्या को जब हम लोगों ने जोड़ा, फर्स्ट 5 इवन नंबर को जब हम लोगों ने जोड़ा तो कितना आया, 5x प्लस 20 आया। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 5x प्लस 20 हो गया फर्स्ट 5 नंबर का, ओके। प्लस हम लोग जोड़ देते हैं आपको x प्लस 10, फिर हम लोग जोड़ देते हैं x प्लस 12, फिर हम लोग जोड़ देते हैं x प्लस 14 प्लस x प्लस 16, होल डिवाइड भी कितना होगा, होल डिवाइड भी आपका 9 होगा ना कि 6 होगा, क्योंकि पहले 5 और अब हो गए 4, तो कितना हो गए 9। तो ये आपका एवरेज हो गया, ठीक है, यही आपका एवरेज हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 9x प्लस 72 होल डिवाइड हो जाएगा आपके पास 9। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू होल डिवाइड हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 प्लस 4 लिख सकते हैं, और हमको इक्वेशन 1 से ये मिल जाएगा x प्लस 4 को क्या बोल सकते हैं, x प्लस 4 को हम लोग बोल सकते हैं k, यानी इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं k प्लस 4, यानी आपका एवरेज क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर 9 नंबर का एवरेज क्या आ जाएगा, k प्लस 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।